ऐसा क्या पता चल गया हूँ? मेरा मतलब है कि उनके पास कोई प्रूफ है क्या? कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है, शायद जब अफान साहब उनसे मिलने गए थे तो बातें रिकॉर्ड कर ली थी। अच्छा तुम मेरा इंतजार करो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। और सुनो, अब दोबारा यहाँ पे फोन मत करना, यहाँ सब आस पास है मेरे। ठीक है। हाँ क्या क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? परेशान तो तुम लग रहे हो, खैरियत है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हारा आज ऑफ था ना, आई थॉट तुम घर पर होगे, मगर तुम तो सुबह सुबह ही कहीं चले गए। क्या करूं, जिम्मेदारियां जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आ जाओ। अब नहीं, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। ओके। जनाब, इस तरह बार बार जाति झगड़े के बिना पर आपका मेरे क्लाइंट को तंग करने का मकसद क्या है? ये बात तो आप अपने क्लाइंट से पूछें कि इनकी तबीयत में इतनी बेचैनी क्यों है, उन्हें क्यों सुकून से बैठने नहीं देती। और हाँ, हमें भी इन्हें यहाँ बिठाने का कोई शौक नहीं है। ये लीजिए और जाइए, पर्चा देख लीजिए। सूट बूट पहनने वाले गली कूचों के गुंडों की तरह शरीफों से भत्ता लेते हुए अच्छे नहीं लगते। आगे आप खुद समझदार हैं। चलो सिकंदर। आपकी तारीफ। आप अपने काम से काम रखिए।